बनारस सतगुरु रविदास की धरती है, कल जयंती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मैं हर बार आता हूँ, इस बार भी आया नमन करने, आशीर्वाद लेने, और तमाम यहाँ हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने, आगामी चुनाव है और उनकी क्या क्या तैयारी है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर दक्षिण की बात करने लगे हैं, राजनीति में उत्तर दक्षिण क्या देश के अंदर इस तरह की बात होनी चाहिए? कौन है राहुल गांधी? आप ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछें। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और सारे नेता अपने तरफ से जो भी बयान देते हैं उनके व्यक्तिगत बयान है, उनकी पार्टी के बयान है, सबसे जरूरी है देश की रक्षा और देश से प्यार होना चाहिए। बात करें यूपी में क्या दलितों के लिए, हाँ यूपी दलितों के लिए जंगल प्रदेश बन गया है, दलित सुरक्षित नहीं है, रोज हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं और सरकार कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करती है। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो सत्ता में आए, ये जो तमाम तरह के उत्पीड़न अत्याचार चल रहे हैं इनको खत्म करने के लिए अपने आप प्रयास करें, क्योंकि ये सरकार हमें न्याय नहीं दे सकती। जितनी भी घटनाएं हुई अभी कान वाली घटना में आपको लोग को मिलने नहीं दिया गया था। देखिए बुआ जी आराम कर रही हैं क्योंकि भतीजे सब लोग काम कर रहे हैं और शांति रखें, हम क्रांति करने के लिए हम लोग हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम लोग, और जो जिस भाषा में समझाएगा उसे उस भाषा में। बुआ जी अपना बुआ जी का सवाल आप बुआ जी से पूछें। मैं कह